हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है रिवीजन, जिसका चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली का रिवीजन के 2 पार्ट आप देख चुके हो, जिसमें फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का, यानी फैमिली क्या होती है, किस टाइप की होती है, ये सब कुछ। फिर उसकी एक्सरसाइज थी ABCD और अब है एक्सरसाइज ई, यानी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज, वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बेबीज़ कहाँ से आते हैं। अब बेबीज़ कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बेबीज़ कोई आसमान से टपकते तो नहीं है। तो आंसर भी सिंपल सा है, बेबीज़ कम फ्रॉम मदर्स वॉम, यानी मम्मा के वॉम से आते हैं। व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फैमिली, नेम इट्स 2 टाइप्स, यानी न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और उसके 2 टाइप्स बताओ। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, यानी एक न्यूक्लियर फैमिली ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, कज़िन, ये सब नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। अब बच्चे कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स की हैं, एक स्मॉल फैमिली एंड अ बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली वो होती हैं जिसमें मम्मी पापा और बच्चे एक या दो ही होते हैं, और बिग फैमिली जिसमें मम्मी पापा तो होते ही हैं और बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके, तो बिग एंड स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू एनिमल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई, एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं और आगे से आगे उनकी जो, मतलब एनिमल्स आगे से आगे कैसे बढ़ते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस बाय बर्थ एंड सम एनिमल्स ले एग्स एंड दैट्स व्हाई दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई। कुछ एनिमल्स अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं, यानी उनके बच्चे होते हैं, और कुछ एनिमल्स के एग होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, और फिर वो उन एग्स पे कुछ दिनों के लिए ले करते हैं, यानी उन पे बैठते हैं, तब जाके हैच आउट होते हैं उनके एग्स, यानी अंदर से बेबीज़ निकलते हैं। ओके, अब देखिए, व्हाट आर मैमल्स, नेम एनी 5 एनिमल्स, सॉरी 5 मैमल्स। कुछ मैमल्स क्या होते हैं आपको ये बताना है। मैमल्स वो होते हैं, आपने भी देखा होगा बेटा कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जिनके डायरेक्ट बेबीज़ होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके एग्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट की बेबी होता है, काऊ का बेबी होता है, डॉग का बेबी होता है, कैट का बेबी होता है, हॉर्स का बेबी होता है ना, और कुछ के एग्स होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। इस दुनिया में, इस धरती पे 2 टाइप्स के बर्थ होते हैं, एक तो होता है बेबी वाला बर्थ और एक होता है एग वाला बर्थ। ओके, तो जो बेबी वाला बर्थ है वो होते हैं मैमल्स, ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान भी उसी में आते हैं, क्योंकि हम भी इंसानों की तरह जन्म लेते हैं। क्या हमारे भी अंडे होते हैं, हम अंडे में से निकलते हैं? नो, बेबीज सॉरी दे आर कॉल्ड मैमल्स, यानी जो बेबीज़ के टाइप में जन्म लेते हैं वो मैमल्स होते हैं। अब इनके एग्जांपल देखिए, 5 मैमल्स आर डॉग्स, काउस, कैट्स, टाइगर एंड लॉयंस। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने मर्जी से, यानी 5 पूछे हैं तो इनकी जगह आप डॉग्स, काउस, कैट्स, टाइगर्स अगर आपको ये अच्छे लगते हैं या फिर आपको लर्न होते हैं तो आप ये लिखिए, वरना एलिफेंट, जिराफ, जो भी आपको सही लगे आप वो लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडोप्टेड चाइल्ड एंड अ फॉस्टर चाइल्ड, यानी एडोप्टेड चाइल्ड में और फॉस्टर चाइल्ड में क्या फ़र्क है। तो अ कपल लीगली टेक्स अ चाइल्ड एंड रेजेज हिम और हर एज देयर ओन चाइल्ड, दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एन एडोप्टेड चाइल्ड। यानी एक कपल, यानी एक हस्बैंड वाइफ किसी बच्चे को लीगली लेते हैं, यानी कोर्ट के ऑर्डर से गोद लेते हैं और फिर उसका पालन पोषण करते हैं, उसको स्टडी कराते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो होता है एडोप्टेड चाइल्ड। बट यहाँ देखिए लिखा हुआ है बट, यहाँ पे बट व्हेन अ कपल टेक्स अनदर पर्सनस चाइल्ड इनटू देयर होम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स, दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड अ फॉस्टर चाइल्ड। पर अगर कोई कपल यानी हस्बैंड वाइफ बिना लीगल परमिशन के या उस बच्चे के पेरेंट्स के परमिशन के बिना ऐसे ही किसी बच्चे को अपने घर में ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं तो वो होता है फॉस्टर चाइल्ड। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बारी है लास्ट एक्टिविटी की, इसको भी देख लीजिए, ये सब आपको लर्न करना है, आपका होमवर्क है ये, जो भी क्वेश्चन करवाए वो भी और ये भी। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, विच ऑर्गन डू यू यूज़ टू टेस्ट एन आइसक्रीम, केक, बटर एंड हनी। आप कौन से, आपके 5 ऑर्गन्स होते हैं ना, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, तो उसमें से कौन सा सेंस यूज़ करके आप आइसक्रीम, केक, बटर को टेस्ट करते हो, मतलब कोई भी खाने की चीज़। तो आंसर है टंग। ओके, इफ़ अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6, 7
पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू अदर, इट इज दिस अ जॉइंट फैमिली, इफ नॉट वाई? एक ऐसी फैमिली जो 6-7 लोगों से मिलके बनी हुई है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, यानी ऐसे ही कोई रह रहा है, कोई गेस्ट आया हुआ है घर पे, तो क्या वो जॉइंट फैमिली है? तो नो, वो जॉइंट फैमिली नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स वगैरह। क्वेश्चन 3 देखिए, डज अ फैमिली प्ले रोल इन रेजिंग अ चाइल्ड, हाउ? क्या फैमिली बच्चे के पालन पोषण में उनका कोई रोल होता है, कैसे? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ, रोल होता है, यस, क्योंकि फैमिली के बिना बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चा बड़ा कैसे होगा? RAISE, रेज यानी पालन पोषण, जैसे यशोदा मैया करती थी ना कान्हा जी का, बिल्कुल वैसे। तो अगर फैमिली है तो उसका पालन पोषण अच्छे से होगा, उसका ख्याल भी अच्छे से रखा जाएगा, उसके हर काम में हेल्प होगी, उसको शेयरिंग की आदत पड़ेगी, केयरिंग की आदत पड़ेगी, हेल्पिंग की आदत पड़ेगी, और फैमिली के साथ रहकर उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। फन टाइम में देखिए, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बेबीज दिए हुए, उनको किस नाम से बुलाते हैं वो आपको लिखना है। तो ये है एनिमल, एलिफेंट का बेबी जिसको बोलते हैं काफ, याद रखिएगा, एलिफेंट की बेबी को बोलते हैं काफ। ये है डियर का बेबी यानी हिरण का बच्चा, इसको बोलते हैं फॉन। ये डॉगी का बेबी, इसको पप या पपी बोलते हैं। ये बियर का बेबी, इसको कब बोलते हैं। और जिराफ का बेबी काफ, फिर से काफ, दोनों तरफ काफ है, बीच में अलग अलग है। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन आज कंप्लीट हो गया है, इसके टोटल आपको 3 वीडियोस देखने को मिले हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना लर्न किया है, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 5 कंप्लीट होंगे मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, और उस टेस्ट से पता चलेगा कि आपने इनको कितना अच्छे से लर्न किया है। और अब तो आपको होमवर्क भी नहीं मिल रहा है, तो आपको फुल टाइम है लर्न करने के लिए, प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।